कैलाश संहिता में चाहे हिमालय की पहाड़ियों में शिव भवानी का विहार वो विचरण कर रहे थे हिमालय की ओर। अब हिमाचल प्रदेश तो शिव जी का ससुराल है, वहां पर विचरण हो रहा था पहाड़ियों में। और पार्वती ने पूछा शिव जी से कि ओमकार क्या है, ओमकार का प्रभाव क्या है। शिव जी ने उस समय कुछ उत्तर न दिया, लेकिन जब वो पहुंचे अपने स्थान पर और वहां जाकर के बैठे, तब अपने आप शिव जी ओमकार की महिमा पार्वती को सुनाने लगे। पार्वती की पहली बात ये थी कि तब जवाब नहीं दिया आपने मेरे को और अब जवाब दे रहे। शिव जी ने कहा कि तब इसलिए नहीं दिया था कि वो आपकी भूमि थी। जब गुरु के द्वारा महामंत्र का ज्ञान प्राप्त करना हो, महामंत्र की शक्तियों को प्राप्त करना हो, महामंत्र के रहस्यों को जानना हो, वो तब गुरु के द्वारा बताया जाता है कि जब शिष्य खुद जिज्ञासा से भरा हुआ हो और नंगे पांव दौड़ करके गुरु के द्वार में जाकर के नतमस्तक होता है, तब गुरु अगर ये ज्ञान देता है तो वो ज्ञान उसमें स्थापित होता है। असमय पर देने से उस ज्ञान का प्रभाव नहीं होता। और तब बड़ी महिमा बताई कि ओमकार मेरा रूप है, जिन 24 तत्वों से जगत का निर्माण हुआ, जिन 24 अक्षरों से गायत्री का निर्माण हुआ है मंत्र का, ये सारे 24 तत्व ओमकार से ही इसका उद्गम हुआ है। स्वयं भगवान शिव ने शिवलिंग की महिमा पार्वती के माध्यम से जगत को बताई, शिव द्वार की महिमा बताई। जो नियमित शिव द्वार जाता है, जो श्राद्ध वगैरह पितरों के मोक्ष के कार्यों में श्रद्धा रखता है, समय समय पर करता रहता है, और ऐसे लोगों को देवार्चन में बड़ी सफलता मिल जाती है। क्योंकि जिनके पुरखों की गति नहीं हुई है, वो अगर देव को प्रसन्न करने को देवार्चन करता है तभी देव कार्य उतना फलीभूत नहीं होता। जिनके पुरखे गति के लिए तड़पते हैं, वो व्यक्ति देवार्चन के लिए जाए तो देव की शक्तियां उसे प्राप्त नहीं होती। पहले उनको ये करना जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने पितरों की गति के लिए समय समय पर अवश्य कर्म करे।